बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड मैं अपना मैं इतना एक्साइटेड मुझे नहीं लगता किसी भी पैकेज के लिए कभी रही हूँ। मॉर्निंग गाइस, एकदम बहुत ही खूबसूरत दिन है। अब फॉल शुरू हो चुका है, मतलब ऑटम पतझड़ का समय आ गया है और अब वो दिन आ गए हैं जब धूप थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगेगी। तो दिस इज़ वाई मुझे यहाँ पे रहना था, दिस इज़ वाई मुझे ऐसा घर चाहिए था कि जहाँ पे धूप आती हो, क्योंकि अभी ठंड में तो धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, वाइटामिन डी की भी ज़रूरत होगी और थोड़ी सी गर्माहट की भी। तो गुड मॉर्निंग, कल हमने पूरा लेग डे किया है तो हमारी 12 बजी हुई है आज तो आज भी हमें वर्कआउट तो करना ही है, क्लास भी है आज तो, और क्लास के बाद कुछ असाइनमेंट भी होगा वो भी करना है। तो लेट्स गेट रेडी फॉर द डे, हमने कॉफ़ी रेडी कर ली है अपनी। तो गाइस, कल हमने बात की थी कि हम लोग डायसन लेने जा रहे हैं और मैं दुकान पे गई थी तो तुम्हें पता है कि मैं ले नहीं पाई, क्यों? क्योंकि दुकान पे था नहीं। तो अब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, फाइनली मुझे 16th को डिलीवर होगा तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मैं इतना एक्साइटेड मुझे नहीं लगता किसी भी पैकेज के लिए कभी रही हूँ। तो 16 तारीख को हमारा डायसन डिलीवर हो रहा है एंड एक्सप्लोर करेंगे 2-3 दिन, फिर उसके बाद 20-21 को इवेंट पर जाना है तो दो अच्छे से पहले प्रैक्टिस करके हेयर स्टाइल वगैरह बनाना सीख लेंगे एंड देन बहुत ही खुश हुआ है, बहुत ही एक्साइटेड। ओके, तो मैं अपने सारे पीआर पैकेजेस उठा के लेके आ रही हूँ एंड हम आज ओपन करेंगे। सबसे फालतू बात ये है कि मेरे से झुकते नहीं बन रहा है, कल लेग डे था तो अभी कैसे पैसे उठाऊंगी फिर। ओह फक, लेट्स सी गाइस की क्या क्या आया हुआ है। दिस इज नोट्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग नोट्स अ ट्राई, वी होप यू लव इट एज मच एज वी डू द नोट्स टेक The candle responsibility. Okay, so Notes is a DIY candle brand. इन्होंने मुझे भेजा है लेमन एंड क्रिस्प एयर, प्लमेरिया एंड पिंक करंट। दीज आर द टू फ्रेगनेंसेज जो कि वैक्स की फ्रेगनेंस है एंड दिस इज अ वेरी नाइस कैंडल होल्डर। वाओ, इससे मुझे खुद अपनी कैंडल बनानी हुआ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एक्चुअली। मैं और ध्रुव एक दिन बैठ के यही एक्टिविटी करें कैंडल बनाने की। थैंक यू सो मच नोट्स कैंडल रिफिल सिस्टम फॉर सेंडिंग दिस टू मी, अप्रिशिएट इट। देन वी हैव दिस पैकेज फ्रॉम कलर पॉप कॉस्मेटिक्स। ये मैंने पहले ओपन करके देखा हुआ है, मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए भी कर रही हूँ। मीट मी एट प्लेटफॉर्म 9 3x4। वाओ, पौने 10वें नंबर के प्लेटफॉर्म पे जो हैरी पॉटर में है प्लेटफॉर्म, किंग्स क्रॉस स्टेशन पे मैंने देखा हुआ है लंदन में। This is a very very beautiful package from ColourPop Cosmetics about Harry Potter collection and they have such great products in there for me and I'm so excited about Harry Potter Buckbeak collection ke liye Buckbeak blush. Oh, this is not a blush, this is a highlighter. Wow, look at this, so beautiful. मैं एकदम ऐसे एकदम ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स टाइप पीआर पैकेज ओपन कर रही हूँ ना, मुझे मेरे स्टाइल में करना चाहिए। यार थैंक यू फालतू ना, चलो अपने स्टाइल में ओपन करेंगे। दिस इज माई फेवरेट आइटम फ्रॉम दिस कलेक्शन। लुक एट द साइज, दैट्स व्हाट शी सेड। व्हाट अ जोक। हैरी पॉटर कलेक्शन का आई शेडो पैलेट, लुक, दिस इज सो गुड। मैं आज ही ये यूज करने वाली हूँ, मैं आज ही इससे थोड़े बहुत लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ। ये तुम्हारे साथ भी होता है क्या कि कुछ नया सामान आता है, खरीद के लाते हो, गिफ्ट मिलता है तो ऐसे बहुत दिन तक यूज करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि इसको सेव करके रखो। मेरे साथ होता है तो मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे ना। एंड इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं एक एक करके तुम्हें यूज़ करके नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा वरना लंबा बन जाएगा वीडियो। देयर आर टू मोर हाइलाइटर इल्यूमिनेटर्स, देन इन्होंने मेरी फेवरेट चीज़ भेजी है जो कि है लिप बाम्स। ये लिप बाम चार अलग अलग लिप बाम भेजे, लव दिस लव दिस। थैंक यू सो मच कलर पॉप कॉस्मेटिक्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर सेंडिंग सो मच मेकअप टू मी, थैंक यू सो मच। देन व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, वी हैव दिस वेरी ब्यूटिफुल कॉस्मेटिक्स पैकेज फ्रॉम आवरानी। आवरानी इज रूशीज ब्रांड, आई लव रूशी, मैं उसकी पार्टी में भी गई थी 4-5 हफ्ते पहले। शी हैज अ स्किन केयर ब्रांड एंड लुक एट दिस पैकेजिंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस। ग्लो एक्सफोलिएटर, देन वी हैव प्यूरिफाइंग क्लेंजर, देन वी हैव रिस्टोरिंग सीरम एंड मेरे पास इनका एक हाइड्रेटिंग हाइड्रा क्रीम पहले से है, सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। एंड दे हैव ऑल्सो सेंड मी अ नाइस हुडी, विंटर इज ऑलमोस्ट हियर सो इज माई हुडी। थैंक यू सो मच रूशी, थैंक यू सो मच टीम आवरानी फॉर सेंडिंग दिस टू मी। दिस इज बाथ बॉम्स फ्रॉम विलो ट्री कॉस्मेटिक्स एंड विलो ट्री ने मुझे काफ़ी सारे बाथ बॉम्स भेजे हैं। आई लव सोकिंग इन द टब, बढ़िया। मुझे बबल बाथ इतना पसंद नहीं है, मुझे बाथ बॉम्स सोक करना ज़्यादा पसंद है। सो थैंक यू सो मच विलो ट्री, स्मेल सो ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त है यार, थैंक यू। ओके, सो गाइस दीज वर माई पी आर पैकेजेस और अब मेरे पास आगे और पी आर पैकेजेस आएंगे अगर होपफुली लोग मुझे फ्री में गिफ्ट भेजेंगे तो।
तो मैं वो भी शेयर करूंगी, पर अभी बस इतने ही आए हैं। बाकी अब आज का दिन बहुत लंबा है, आज 2 बजे क्लास है, फिर उसके बाद थोड़ा काम है, मेरे को जर्सी जाना है टू पिक सम स्टफ। तो मम्मी पापा जब आए थे तो मैंने उनको अपने क्लॉजेट में जगह दी थी, जिसके बाद जब जब वो अपना सामान लेके गए हैं तो मेरे क्लॉजेट का हाल ये हो गया है। ये नीचे कपड़े गुत्थे में पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, ये देखो यहाँ पे पूरी मर्चेंडाइज का स्टॉक आया है, मेरी वो पड़ा है, दिस इज ऑल्सो माई मर्च, मेकअप वेकअप पूरा ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है सारे, ये देखो पूरा सब भरा चुका है एकदम, कोई जगह ही नहीं है, खुल ही नहीं रही है दराज, इतना ज़्यादा मेकअप तो दराज ही करना है, सब पूरा मेकअप से भरा हुआ है सारा, कुछ भी सामान ढंग से नहीं रखा हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, एक वीडियो कर ही ले क्या, ऑर्गेनाइजिंग माई क्लॉजेट एंड मेकअप और मेकअप ड्रॉवर्स, क्या बोलते हो, कर ले? तो मेरी स्पोर्ट्स लॉ की फर्स्ट क्लास थी आज, जो कि हो गई है, काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग क्लास थी। हम लोग एक केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें आइस हॉकी जो होता है उस दो प्लेयर्स के बीच में उसमें लफड़ा हो जाता है, एक प्लेयर जो है वो आइस जो जो भी कोर्ट है उस पर चला जाता है बिना अपना गेयर वेयर पहने, और दूसरा प्लेयर वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो जो है पक को जम से मारता है तो पहले प्लेयर की आँख में लग जाती है और वो 80% अंधा हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में केस था कि जिस जो 80% अंधा हो जाता है उसने केस किया था कि उसकी गलती की वजह से मैं हो गया हूँ, और जो जिसने पक मारा था वो कह रहा था कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो मेरी प्रैक्टिस कर रहा था। तो इनके बीच में केस था। अब तुम बताओ कॉमेंट्स में कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है इसमें से। केस का नाम है मैं सेवियो वर्सेस रॉबर्टसन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब मैं मुझे एक इवेंट में जाना था पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में बिल्कुल दम नहीं है, बिकॉज थैंक्स टू फिटनेस टॉक्स विद प्रवीण टेनिस ट्रेनर संकेत, कल मैंने लेग डे किया है, तो आज हम घर सफाई करेंगे।